मुझे ऑफलाइन की चीजों से मोहब्बत हो चुकी है, बिकॉज दुकानदार जब बुलाते हैं 250 भैया 250 ले लो, तो मैं खरीद लेता हूँ। पेपर को एक अच्छी जगह पर, जो क्लीन जगह हो, उसके ऊपर खींच के लगाना मास्किंग टेप। नहीं यार, फ्री का नहीं दूंगा, बेचूंगा। कोई खरीदना चाहता है तो मेरे को कमेंट में बताना, हम बेचेंगे। एक 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 बुकमार्क 1 लाख, कुछ खराब निकला तो वो सस्ते में बेच देंगे, डिस्काउंट दे देंगे थोड़ा ज्यादा, जिसकी नहीं यार। बारबी ने पूरा सोशल मीडिया खा के रख दिया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ बना लूं बारबी के बारे में। मेरा कुछ बुक्स आ रहा था रिसेंटली, 2-3 दिन बाद, तो मैंने सोचा चलो बुक मार्क बनाते हैं और कुछ बनाएंगे, देखना वीडियो में देख लेना। जो वैसे स्केच पैड आते हैं ना बुक मार्क बनाने के लिए, तो वो मेरे पास नहीं है, तो जुगाड़ लगा के कुछ कट वट लगा के लेना पड़ेगा, मैंने मतलब पेपर बनाना पड़ेगा, मेरे को ही बनाना पड़ेगा। तो वीडियो में जो पेपर मैंने यूज़ किया वो ऑफलाइन स्टोर से, ऑब्वियसली मैं ऑफलाइन स्टोर से ही लूँगा। मुझे ऑफलाइन की चीज़ों से मोहब्बत हो चुकी है, बिकॉज दुकानदार जब बुलाते हैं 250 भैया 250 ले लो, तो मैं खरीद ही लेता हूँ। तो देखो पेपर में कुछ है नहीं, अब थोड़ा सा थिक पेपर लेना, ज़्यादा GSM वाले, जैसे कि थोड़ा आइवरी, थोड़ा मतलब आइवरी पेपर ले लेना, थोड़ा सा थिक भी होता है, मतलब मोटा भी होता है पेपर, तो आइवरी पेपर लेने का कोशिश करना। तो उसके बाद आता है कलर। कलर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो तो 20 रुपये में आता है 2 ऐसे बॉक्स, तो मेरे पास 2 है, बट मुझे 2 नहीं चाहिए इस ड्राइंग के लिए, 1 से ही काम बन जाएगा, पिंक और वाइट से काम बन जाएगा। उसके बाद आता है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश के लिए मैं ऐसा वाला ब्रश यूज़ करने वाला हूँ, और जो प्लास्टिक के ब्रश आते हैं वो मैं नहीं यूज़ करूँगा, बिकॉज मेरी फटी हुई आँखों से जो ब्रश के स्ट्रोक है तो दिखाई देता है, तो इसलिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करूँगा। और जो सिंथेटिक, जो प्लास्टिक, मतलब कि समझ गए ना, जो वाला ब्रश दिखाया मैंने वो नहीं यूज़ करूँगा मैं। जब ये सारा कुछ जब जुगाड़ कर ले अपने पास, मतलब कि अरेंज कर ले अपने पास, तब पेपर को एक अच्छी जगह पर, जो क्लीन जगह हो, उसके ऊपर खींच के लगाना मास्किंग टेप। जब उसे उखाड़ते हैं ना, जो एस्थेटिक वाली फीलिंग आती है, वाह, कोशिश करना लगाने का। क्लीन बॉर्डर भी आता है तो देख ला, आपके पास है तो लगाना, नहीं तो स्किप कर देना ये वाला पार्ट। उसके बाद हम करेंगे स्केचिंग। स्केचिंग के लिए बस बेसिक एक पेंसिल लेना, उसके बाद रैंडमली स्केच स्टार्ट कर देना। ऐसा चीज़ नहीं है कि अपने मन के हिसाब से बनाना, बट मैं इधर बनाऊंगा बारबी थीम के ऊपर। पहले वाले पे मैं बनाऊंगा एक डायमंड, बनाऊंगा बारबी बैग, बनाऊंगा और एक बारबी का ताज, ताज ये वाला ताज। नेक्स्ट वाले पे बारबी का जो 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 स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं उसे, इल्यूशन नहीं बोलते, देख लेना यार, बना रहा हूँ देख लेना। लास्ट वाले के ऊपर मैंने कुछ किया नहीं, जस्ट मैं बारबी लिखूंगा उसके ऊपर। और मैंने पहले सोचा था 2 बनाऊंगा, 3 बना लिया, क्योंकि मेरी एक बहन है वो भी बुक्स पढ़ती है बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी 1 बना लिया। पर नहीं यार, फ्री का नहीं दूंगा, बेचूंगा। कोई खरीदना चाहता है तो मेरे को कमेंट में बताना, हम बेचेंगे। एक 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 बुकमार्क 1 लाख का, कुछ खराब निकला तो वो सस्ते में बेच देंगे, डिस्काउंट दे देंगे थोड़ा ज़्यादा, जिसकी नहीं यार। तो उसके बाद हम करेंगे पेंटिंग। पेंटिंग करने के लिए हम ब्राइट पिंक और वाइट कलर यूज़ करेंगे। गर्मी यार, कितनी दिक्कत आती है पता है, वीडियो लाइक नहीं करते, वीडियो शेयर नहीं करते, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इस गर्मी में फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है। कर दो यार सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, पसंद आए तो, ना पसंद आए तो नहीं कर, देख लेना ज़रूर यार वीडियो को। जो पहले वाला बुकमार्क है उसके ऊपर मैं लाइट पिंक दूंगा, उसके लिए मैं वाइट और जो ब्राइट पिंक है उसे मिक्स करके थोड़ा सा लाइट पिंक बनाऊंगा, उसके बाद लाइट पिंक दे दूंगा यार। उसके बाद उसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ूंगा और नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। कोई टाइम वेस्टिंग का टाइम नहीं है, मतलब वेस्ट करने वाला टाइम नहीं है, क्या डंगड़ वाली बात करता हूँ, ठीक से बोलने में नहीं आता मज़ा, सच में यार मेरे को ठीक से बोलना नहीं आता हिंदी, स्पेशली हिंदी, इंग्लिश भी, मैं इंग्लिश में भी डंगर। तो पहले वाला जब तक सूखता है नेक्स्ट वाले को पेंटिंग करते हैं। नेक्स्ट वाले में पेंटिंग करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ऐसा प्रोसेस की बताता हूँ। पहले ऊपर होगा ब्राइट पिंक, उसके बाद आएगा लाइट पिंक, उसके बाद आएगा वाइट, ऐसे ही बस ब्लेंड कर दूंगा, स्मूथली दिखाई देगा। तो ऐसे ही कुछ बनाऊंगा, बहुत इंस्टाग्राम वालों को मैंने देखा है ऐसे बनाने में, बहुत मज़ा आता है यार ब्लेंड करने में, जो मज़ा, तो ब्लेंड करने में जो मज़ा आता है ना, वो बता नहीं सकता यार, इतना मज़ा आता है। मेरे को कोई कैनवास दे और कलर दे, बोले ये कलर लगा के ब्लेंड कर यार, मैं तो सारे दिन बैठे रहूँ ब्लेंड करते हुए मुझे बहुत पसंद है यार। तो दूसरे वाले को भी सूखने छोड़ते हैं और लास्ट वाले पे फोकस करते हैं। लास्ट वाले में हम ब्राइट पिंक कलर यूज़ करेंगे,
एकदम डायरेक्टली यूज़ कर देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो उसके लिए मैंने सोच के रखा है डिज़ाइन, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ऑन द प्रोसेस, ऑन द प्रोसेस होता है, इन द प्रोसेस होता है, क्या होता है यार, इसलिए मैंने बोला मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती। क्या जिंदगी यार, इंग्लिश ना आती, हिंदी ना आती, क्या आती है मेरे को, सिर्फ खाना सोना पीना लगना। जो रैंडमली हमने स्केचिंग भी किया है उसके ऊपर भी हमें कलर करना है। तो जैसे कि लाइट पिंक है पहले वाले में, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा ब्राइट पिंक, मतलब लाइट पिंक ब्राइट पिंक, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। तो जो मैंने ड्राइंग किया है उसके ऊपर से ब्राइट पिंक करूँगा, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ जगह पर फिल करने लायक है उसे मैं फिल कर दूंगा, उसके बाद जहाँ पर फिल करने लायक नहीं है उसे मैं बॉर्डर दे दूंगा। तो देना था डिटेलिंग का पार्ट, डिटेलिंग का पार्ट में कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बस जो बॉर्डर देना है किसी किसी चीज़ पे हमें, और जहाँ पर हाईलाइट है हाईलाइट देना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक पन, रियलिस्टिक तो नहीं होगा बट डिटेलिंग देने में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से डिटेलिंग देंगे। तो ऐसा ही कुछ मैंने बुकमार्क बनाया, इसके बाद मैं बनाऊंगा वो पेपर के ऊपर रखता है ना, जब पेपर उड़ जाता है तो उसके ऊपर रखता है जो वेट वाली, वेट ना कहते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं है, तो उसे मैं बनाऊंगा। एक पत्थर मैं चोरी करके लाया, या चोरी नहीं गया मतलब रास्ते पर पड़ा था, उठा के लाया हूँ। तो इसे भी मैं पिंक कलर में बनाऊंगा, बिकॉज बारबी थीम के ऊपर वीडियो है हमारा भाई। तो चलो फर्स्ट इसको व्हाइट करेंगे, व्हाइट पेंट से, व्हाइट एक्रेलिक कलर से, उसके बाद पिंक कलर करेंगे एकदम ब्राइट पिंक कलर। उसके बाद जो बुकमार्क में यूज़ किया है वो वाला पैटर्न इसमें बना दूंगा, वो कॉम्बिनेशन वाला फीलिंग आएगा, तो वो देखने में मज़ा आएगा, इसलिए मैंने सोचा इसे उस वाले पैटर्न में बनाऊंगा, तो देख लेना। और मेरा जो बुक्स आ रहा था ना, मैंने बताया था कि, तो वो दो दिन पहले आ गया, तो मेरे को खुंदक आ रही है उसे अनबॉक्स करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। काटो किधर से भाई, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, कैंची नहीं लाया भाई, कैंची किधर गया भाई, ये हमारी पुश्तैनी कैंची। यार मेरे को ना बुक्स पढ़ने का इतना शौक नहीं है, बट अमीर लोग कहते हैं बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फुला हुआ पैकेजिंग नहीं मिले यार, वो मिल जाता तो मज़ा आ जाता। आई मीन जो वो वाला होता है ना, जो जिसे पटाने में ऐसे ऐसे पटक ऐसे ऐसे चटक पटक आवाज़ आता है, वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है, वो वाला पैकेजिंग नहीं मिला इस बार। क्या कह सकते हैं, जो मिला वो मिला। चलो उल्लू की दर्शी यार, आओ कैसे पैकेजिंग करके दिया है। हाँ यार ये तो ये वाला पेपर है जो आइसक्रीम के ऊपर लगाते हैं, ये कैसा पैकेजिंग है। तो इस किताब का नाम है इकीगाई, जो जापानीज किताब है, पता नहीं यार मुझे जापानीज, बट इंग्लिश में है, पढ़ लेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे कैसे नया नया वाला चीज़ कैसे में कैसे भेजा यार इन लोगों ने। हाँ यार ऐसे इधर उधर से तोड़ मरोड़ गया। ओवर 3 मिलियन कॉपी सोल्ड, 3 मिलियन मतलब कि 30 लाख 30 लाख लोगों ने खरीद लिया इस बुक को। एटॉमिक हैबिट, मेरे अंदर कोई हैबिट ही नहीं है, इसे पढ़ के हैबिट आ जाएगा मेरे अंदर, पढ़ लूँगा यार। थर्ड बुक इज साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का चक्कर, पैसे का चक्कर बाबू भैया। तो बेसिकली ये तीनों बुक इंटरनेशनल मार्केट में धमाल मचा रही है, इसलिए मैंने सोचा मैंने खरीद लिया, पढ़ने का कोशिश करूँगा, मेरे से बढ़ाई बढ़ाई होगी नहीं है ऐसी। अमीर लोग बोले हैं मतलब अमीर बनने का तरीका है इसमें, 25 दिन में पैसा डबल, हाय हाय। तो ये सारा कुछ अरेंज करने लेने के बाद तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो बारबी के जो बेसिक चीज़ें होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है कितनी मेहनत, और साइकोलॉजी ऑफ मनी बेसिकली अब फिनांस बुक सेल्फ फिनांस के लिए काम में आता है। सेल्फ फिनांस के लिए, यार प्रोनाउंसिएशन करने में ही दिक्कत आ रही है, कैसे बोलूँ, गर्मी हो रही है। नया नया वाला बुक से, हाँ पंखा बना, नया नया वाला बुक मेरा पंखा बन गया।